यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी मुझे ये था बचपन से कि मुझे ना मैं लोगों को देखती थी कि लोग इतनी अच्छी अच्छी सिंगिंग करते हैं, बचपन से सुनती आ रही हूँ गाने, और तो मुझे भी था कि मुझे ना सिंगिंग करनी है, मुझे सिंगर बनना, प्लेबैक सिंगर बनना है। तो और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मॉम एंड डैड बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं खुद पर प्राउड नहीं, मैं पर इन पर प्राउड करती हूँ, मेरे पेरेंट्स पर, कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले और इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो जैसी आप दिखती हैं, आपका रिजेम्बलेंस किसी एक्ट्रेस से आपको कभी ऐसा लगा, ऐसी कोई एक्ट्रेस है, पुरानी एक्ट्रेस या नई एक्ट्रेस जिससे आप? नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पता नहीं किस किस से मतलब मिलती जुलती हूँ, पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं लोग सोशल मीडिया पे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से भी मेरा चेहरा मिलता जुलता है। क्या पता कैमरे पे लोगों को लगता हो, पर मुझे खुद से नहीं लगता कि किसी से। तो प्रिपेयर कैसे किया, क्या क्या ऐसी स्किल्स जो आपने डेवलप किया इस टाइम में, लाइक डांसिंग हो गया, क्या ऐसी स्किल्स जो आप डेवलप किया करना चाह रही हैं आगे? सिंगिंग तो चल रही है और जब से आई हूँ, मतलब बचपन से चल ही रही है सिंगिंग, और बहुत कुछ सीखना भी है, सीख रही हूँ, और साथ ही साथ डांसिंग भी चल रही है, डांसिंग की क्लासेस ले रही हूँ मैं, और सीख रही हूँ, काजल मैम से सीख रही हूँ मैं, और एक्टिंग सीखने की ज़रूरत ही है क्योंकि मेरी मम्मा मुझे सिखाती रहती है, मुझे करती रहती है एक्टिंग पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ भी मतलब मौका मिलता है कि मुझे करती रहती है गाइड। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि सिंगिंग से अच्छी एक्टिंग है इसकी, फ्रेंकली बोलूँ तो, क्योंकि सिंगिंग में तो अभी बहुत इसको मतलब मेहनत कर ही रही है और भी करना है। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर है, इसके 2.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसके अलावा अलग अलग सोशल नेटवर्क पे भी मिला के इसके अभी तक 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और वो लोग सिर्फ इसकी एक्टिंग देखते हैं, उनको पता भी नहीं कि ये सिंगर है या सिंगिंग करती है, वो जब जाते हैं इसके प्रोफाइल में तब चेक करते हैं। बट क्योंकि इसको कुछ बताने के लिए आपको एक बार बस सुनाने की ज़रूरत है कि ये चाहिए, वो ये मतलब चुटकियों में इसको पिक कर लेती है, इसको मुझे दोबारा कुछ अगर बात करें तो गाने की, अपने गाना लिखा है तो कैसा दिमाग में प्लान बना कि आपने गाना बनाया कि मुझे लड़की से ही गाना गवाना है? गाने तो ये पहले भी कर चुकी है ना, दो जी के साथ है, तो गाना तो एंजल के लिए ही था, पर ये था कि हाँ एक्टिंग का था, तो वो जो कैरेक्टर था उसको एक बार बता दिया, उसने कर लिया उसको, और आप गाना अगर आप देखें तो आप कह नहीं सकते कि हाँ ये सिंगर है या ये एक्टर नहीं है, इसने सीखा नहीं, आप कहीं से नहीं कह सकते, मतलब इसने बहुत अच्छा काम किया गाने में। अच्छा, गाना लिखने में आपको कितना समय गया, कितना वर्क करना पड़ा इसके लिए? गाने लिखने में 3 से 4 दिन लगे थे हमें, और एंजल ने भी मेरी बड़ी मदद की थी साथ में, जैसे कहीं पे कुछ थी तो हाँ इस तरह से करते उस तरह से करते, क्योंकि थोड़ा हम चाह रहे थे कि डिफरेंट करें ये गाना, मतलब जो नॉर्मल आजकल चलता है उस टाइप का नहीं, तो इसलिए जो शब्द भी आपने देखे हैं, सदियों की बातें हो रही हैं, बारिशों की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं, है ना, बंधन की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा वो शब्द चुनने गए जो मतलब इस गाने से रिलेट कर पाए।
मुझे गाना तो 4 दिन में बन गया, लेकिन इसको पूरा बनाने को कितना दिन लगा? सबसे ज़्यादा टाइम तो इसकी एडिटिंग में लगा, 3 महीने लगे एडिटिंग में, और पता नहीं क्यों लगे, मुझे भी नहीं पता, बट लगे उसमें। बाकी शूटिंग में 3 दिन लगे थे हमें, और म्यूजिक में भी, म्यूजिक तो तैयार ही था, बाकी उन सब में ज़्यादा नहीं गया, मेन गया एडिटिंग में। ऑलमोस्ट शूटिंग कहाँ पर हुई है पूरी? शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई है इसकी कंप्लीट, जो आप झरने के सीन देख लीजिए, वाटरफॉल है, और वो जो ब्यूटी है सारी वो नॉर्थ ईस्ट की है, मेघालय की, शिलोंग। पहले तो मैं सबको, सबसे पहले मेरे मेरे मम्मी डैडी को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह गाना बहुत ही यूनिक है, और कॉन्सेप्ट रीता आंटी ने लिखा है बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, सभी व्यूअर्स धीरे धीरे लाइक कर रहे हैं, और आई होप सभी को पसंद आ रहा है गाना। आज हम लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री अच्छा है, और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे काफ़ी सपोर्टिव थी, और ऑन स्क्रीन भी ना बहुत बहुत मस्ती की है हम लोग ने ऑन शूट। आपका बैकग्राउंड बताइए कुछ, मतलब ये पहला एल्बम में क्या किया पहले? ये मेरा पहला डेब्यू है इसमें एल्बम में, और इंशाल्लाह साउथ में मूवी अभी चल रही है, तो मैं भी डिस्कस नहीं कर सकता, परमिशन नहीं है, सो मैं भी वीडियो में डाल डिस्कस थैंक यू एक वीडियो कर। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हैकिंग पर वीडियो से और हमारे जी न्यूज हैकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।